हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर हम कभी भी कोई भी आईपीओ अप्लाई करते हैं और बाय चांस दूसरा या तीसरा आईपीओ बैक टू बैक आ जाता है और हमारा पैसा वो अनब्लॉक नहीं होता है, लेकिन हम वहाँ पर भी अब आईपीओ को अप्लाई कर पाएंगे और वो हमारा पैसा भी पुराना अनब्लॉक हो जाया करेगा, तो वहाँ पर पूरी डिटेल में जो भी सेबी ने नए रूल्स लाए हैं आईपीओ के रिलेटेड, उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहां पर हम एक दो पॉइंट्स को और डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो पुराने आईपीओ होते थे वहां पर हमें अच्छी खासी लिस्टिंग गेन देखने को मिलता था, अप्रोक्स 100% प्लस का भी हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाता था और आईपीओ डबल हो जाते थे और हमारा काम हो जाता था, 2 हफ्तों में हमारा पैसा दोगुना हो चुका है। लेकिन अब हमें वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है, तो उस चीज़ का भी हम कंसेप्ट समझेंगे कि वो हमें क्यों देखने को नहीं मिलती है। तो सीधा चलते हैं हम स्क्रीन पर, जहाँ पर हम डिटेल में जाकर सेबी के नए रूल्स को भी स्टडी करेंगे और उससे पहले हम उस कंसेप्ट को भी समझेंगे कि अब हमें पुराने जैसी लिस्टिंग गेन देखने को क्यों नहीं मिलती है। और एंड में आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि जब आप पूरी वीडियो को देख लो, कि जो ये आईपीओस के रूल पहले चेंज हुए थे एचएनआई कैटेगरी वाले, वहां पर उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट हमें पड़ा था लिस्टिंग गेन पर, क्या वो इन रूल से भी हमें लिस्टिंग गेन पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता, आपका माइंडसेट क्या कहता है, उस चीज़ को आपकी नॉलेज क्या कहती है, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहां पर जाकर डिटेल में चीज़ों को एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं। और वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीडियो में और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सीधा चलते हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ पर ना कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम आईपीओ की हिस्ट्री को देखते हैं कि पहले पुराने टाइम पे जब एचएनआई के वाले रूल्स नहीं आए थे, मैं जहाँ पर लिंक भी टैग कर दूंगा आप लोगों के लिए कि जब पिछले साल एचएनआई के जो रूल्स आए थे वो हम रिटेलर्स के लिए कैसे बहुत ज्यादा फायदेमंद रहे हैं, तो आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। अगर आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि जब हमारे पास जब आईपीओ के जो पुराने रूल्स थे, मतलब कि एचएनआई रूल्स से पहले, मतलब कि जब हम एज ए क्वालिफाइड या एचएनआई कैटेगरी अप्लाई करना होता तो हमें काफ़ी ज़्यादा करोड़ों की एप्लीकेशन लगानी पड़ती थी, लेकिन वहाँ पर हमारे पास जो लिस्टिंग होती थी वो कभी 50% की, कभी हमें 80% और काफ़ी बार तो हमें 100% तक की लिस्टिंग गेन भी देखने को मिलता था। अब वो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमें आज के टाइम पर किसी भी आईपीओ में इतनी अच्छी लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिलती है। हमें अगर अच्छी खासी 30-40% तक की लिस्टिंग गेन भी देखने को मिल जाती है, वो भी हम अच्छी लिस्टिंग मानते हैं आज के टाइम पर। बिकॉज उस टाइम पर क्या होता था कि जब करोड़ों की एप्लीकेशन लगाई जाती थी एचएनआई कैटेगरी में, तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर फंडिंग लेनी होती थी, जो बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी से वो कंपनीज फंडिंग लेती थी, जो एचएनआई लोग लेते थे ताकि वो उस आईपीओ को अप्लाई कर सके। लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो चुकी थी, लेकिन उन 10 से 12 दिनों में जो भी कंपनी को या एचएनआई पर्सन को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि करोड़ों के ऊपर जब कोई भी, अगर आप भी मान लो कि आप करोड़ रुपए की फंडिंग ले रहे हो, चाहे वो आपने 10 दिनों के लिए आपके यूज में रही है, लेकिन आपको पर डे के अकॉर्डिंग अगर 10% के अकॉर्डिंग भी आपको इंटरेस्ट देना पड़े तो आपको कितनी ज़्यादा अमाउंट ऑलरेडी देनी पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी आपको उस 1 करोड़ की जगह कुछ 1-2 लाख रुपए के ही लोट मिलते थे। तो वहां पर उस चीज़ को जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, मतलब कि अगर आप देखोगे उस चीज़ में जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, जब वो इंटरेस्ट को आपने टेक ओवर करना है, मतलब कि आपको रहना तो प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में कब रहोगे? जब वो इंटरेस्ट के साथ फिर आपको उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे, तभी आप प्रॉफिट में रहोगे। मतलब कि उस चीज़ को टेक ओवर करने के लिए कंपनी की जो लिस्टिंग होती थी आईपीओ की, वो हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती थी और इनफैक्ट 100% तक की भी हमें लिस्टिंग देखने को मिल जाती थी। तो यही रीज़न होता था कि वहां पर हमें अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिलती थी। अब जैसे ही वो एचएनआई के रूल चेंज हो चुके थे कि अब 2 लाख से ऊपर, 2 लाख से 10 लाख के बीच के भी अगर आप आईपीओ अप्लाई करते हो तब भी आपको 2 लाख के मिलेंगे, अगर आप 10 लाख से बड़ी जितनी मर्जी एप्लीकेशन लगा दो वहां पर भी आपको लॉटरी सिस्टम हो चुका है, जिसको भी निकलेगा तो आपको 2 लाख के लोट मिल जाएंगे, उसके अलावा बाकी सबकी अमाउंट रिफंड हो जाएगी। मतलब कि अगर आप 10 लाख की लगा रहे हो चाहे 1 करोड़ की लगा रहे हो, आपकी 10 लाख की एप्लीकेशन मानी जाएगी, उसके अलावा बाकी ऊपर की एप्लीकेशन आपकी
एज ए ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से उसको आपका नेगलेक्ट कर दिया जाएगा और आपको मैक्सिमम 2 लाख तक के लोट मिल जाएंगे। तो यही सीन होता था कि जब भी हम HNI में अप्लाई करते हैं अब के टाइम पे, बिकॉज पहले सिर्फ रिटेलर्स रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करते थे और HNI में वही बंदा कर सकता था जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो या फिर जो फंडिंग कर लेता था और उसको फंडिंग होने के बाद भी वो पोस्टिंग मेरे इस तरीके से सिर्फ वही बंदे अप्लाई कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे जब भी हम अप्लाई करते हैं तो आप लोग खुद सोचो कि आप में से कितने लोग अब भी रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हो, बिकॉज आप भी HNI में जाकर कहीं ना कहीं चाहे आप 2 लाख से 10 लाख वाली एप्लीकेशन ही लगाते हो, 2 लाख वाला लोट अप्लाई कर देते हो, चाहे वो एक हो लेकिन आप वही अप्लाई कर देते हो कि अगर बाय चांस वो मुझे मिल गया तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे, पूरे के पूरे साल का हमें एक ही टाइम पे फायदा हो जाएगा। और वहां पर चाहे वो आपको 20% का ही प्रॉफिट क्यों ना मिले तो वो भी 20% का भी 2 लाख के ऊपर आपको 40,000 का प्रॉफिट हो जाता है। और अगर आपने वो 40,000 रुपए का प्रॉफिट ले लिया तो आपके तो वारे न्यारे हो चुके हैं, क्योंकि आपको जितने मर्जी IPO अप्लाई करने हो रिटेल कैटेगरी में 40,000 का प्रॉफिट इतनी इजीली नहीं होगा, कितने ही आपको IPO अप्लाई करने पड़ेंगे और कितनी आपको अलॉट होगी उसके बेस पर जाकर पता नहीं कब वो 40,000 का प्रॉफिट पूरा होगा। इसीलिए ही जहाँ पर जो ये रूल चेंज हुए थे उसकी वजह से हमें इस लिस्टिंग गेन पे इफेक्ट देखने को मिला था मेनली। लेकिन अब की बार जो रूल्स आए हैं वो थोड़े अलग आए हैं, तो इस अब नए रूल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ये रूल्स की स्टोरी पसंद आई हो और अगर आपको चाहिए कि ये डिटेल में डिस्कस हो कि वहां पर कैसे प्रॉपरली उन IPO की लिस्टिंग किस बेस पर होती थी, तो उसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के टाइम पे अगर देखा जाए तो वो अब के लिए टाइम वेस्ट वाली बात है। लेकिन अगर आप लोगों को नॉलेज पर्पस वो वीडियो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, तभी मैं वो वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा प्योरली और प्योरली डाटा को लेते हुए कि कितने परसेंट इंटरेस्ट पर वो कितना ज्यादा फंडिंग लेते थे और उस बेस पर कैसे उनको लोट मिलते थे, तो सारी चीजें वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस होगा ताकि हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे, लेकिन आज के टाइम पे उसका कोई यूज रहा नहीं है। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे बात करते हैं अब जो नए रूल्स आए हैं, सबसे पहले तो जो पुराने IPO चल रहे हैं, आपको भी पता है कि जब भी IPO की क्लोजिंग डेट होती है जिसे हम T कह देते हैं, मतलब कि ट्रेड डे, मतलब कि जहां पर टी वो दिन होने वाला है जहां पर उस IPO की लास्ट डेट होने वाली है क्लोजिंग की, मतलब कि आपको भी पता है कि 3 से 4 दिन कोई भी IPO मैक्सिमम खुला रहता है, तो वो जो लास्ट डेट होने वाली है वो हमारे पास हो जाता है टी। अब उसके कुछ दिनों बाद मतलब कि 4 से 5 दिनों के अंदर हमें उस IPO की अलॉटमेंट मिलती है, फिर उसके 3-4 दिनों बाद हमें वहां पर देखने को मिलता है कि उस IPO की लिस्टिंग हो रही है। मतलब कि अगर देखा जाए तो अगर हम सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं तो जहां पर T+6 डेज का मिनिमम टाइम हो जाता है जहां पर हमारे पास इस IPO की लिस्टिंग हो जाती है, मतलब कि T+6 वर्किंग डेज होते हैं, मतलब कि जो भी ये हमारा लास्ट डे है टी, तो ये हमारा क्लोजिंग डे हो गया, उसके बाद के जो नेक्स्ट जहां पर मार्केट खुली रहेगी वो 6 दिन जैसे कि सैटरडे संडे हो गया वो इनमें काउंट नहीं होंगे, या फिर कोई भी और वर्किंग हॉलीडे आ जाती है किसी और दिन की तो वो इनमें काउंट नहीं होते, तो इसके अकॉर्डिंग वहां पर हमारी लिस्टिंग होती है, मतलब इतना टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप पुरानी हिस्ट्री को जाकर देखोगे ना, बिकॉज रूल्स तो सभी को पता है लेकिन हमारे पास जो स्टोरीज होती है ना वो हमारे लिए काफी यादगार हो जाती है और हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं उन चीजों को डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इससे पुरानी टाइम पे जाकर देखोगे तो आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे कि अब तो T+6 डेज लगते हैं, उससे पहले मतलब कि 2018 से पहले जहां पर लगते थे T+12 डेज, मतलब कि IPO के क्लोज होने के बाद हमें 12 वर्किंग डेज के बाद उस IPO की लिस्टिंग होती थी। अगर आप उससे भी पहले जाओगे तो T+18 डेज, T+22 डेज, ऐसे ऐसे करके टाइम होरिजन होता था, और ऑलमोस्ट अगर आप लास्ट वाले में बात करोगे तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद आपको पैसा अनब्लॉक होना, लिस्टिंग होना, सब कुछ होना 1 मंथ का टाइम ऑलमोस्ट लग जाता था, मतलब 1 महीने तक आप उस टाइम पे पैसा ब्लो करके रखते थे। लेकिन अगर हम आज के टाइम पे देखते हैं तो 2 हफ्तों में हमारा काम हो जाता है अगर हम हॉलीडेज को भी काउंट कर लेते हैं। लेकिन अब से अगर हम अब की बार बात करते हैं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होने वाला है, बिकॉज एक तो जैसे ही HNI के रूल्स आए थे हमारी काफी ज्यादा अमाउंट हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए HNI पे लगा देते हैं और हमारी अच्छी खासी अमाउंट ऑलरेडी काफी ज्यादा फंस जाती है, और जैसे कोई मैक्सिमम तीसरा अगर IPO आ जाए, वैसे तो हम नॉर्मल लोगों के लिए तो अगर कोई दूसरा IPO भी इमीडिएट आ चुका है ना तो वहां पर ही हम फंस जाते हैं और वहां पर हमारे पास सेकंड IPO को अप्लाई करने के लिए भी फंड नहीं होता है। तो ऐसे में अगर कोई बाय चांस थर्ड IPO भी आ जाए और बाय चांस थर्ड IPO काफी अच्छा हो, अगर हम आज के टाइम पे देखें
जैसे कि आइडिया फोर्स का आया, फिर साइएंट का आया। अगर हम नॉर्मली देखें तो वहां पर काफी इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलरेडी आइडिया फोर्स में फंस चुका है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी साइएंट में अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में जो पीकेएच आईपीओ आया, माना कि आईपीओ बुरा है, लेकिन अगर वो आईपीओ अच्छा होता, देखो आईपीओ कोई भी बुरा या अच्छा नहीं होता, डिपेंड होता है कि हमें बुरा या अच्छा कब होता है, कि अगर वो प्रॉफिट दे तो वो अच्छा है, अगर ना दे तो बुरा है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन वाइज हर चीज को देखते हुए देखते हैं तो वहां पर उस ऐसा आईपीओ है कि जो हमारे रिस्क रिवार्ड रेशियो के फेवर में नहीं आता है, इसलिए हम इस आईपीओ को अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने ये आईपीओ भी अच्छा होता तो क्या हम यहाँ पर अप्लाई कर पाते, बिकॉज हमारा तो ऑलरेडी काफी ज्यादा पैसा इन दोनों आईपीओ में ब्लॉक हो चुका है। काफी लोगों का तो आइडिया फोर्स भी हो चुका है, उन्होंने साइएंट भी अप्लाई नहीं किया है। लेकिन अगर पीकेएच भी अच्छा हो जाता और हमारा वहां पर अभी तक फंड अनब्लॉक नहीं होगा, जब तक ये आईपीओ क्लोज होगा तब तो हम वहां पर फंस चुके हैं ना। तो अब इस चीज का भी सलूशन ढूंढ लिया है सेबी ने, बिकॉज ऐसा जनरली होता है जब भी आईपीओ आते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि एक वीक में एक आईपीओ आया कि चलो भाई इसका काम हो चुका है, फिर सेकंड आईपीओ आएगा, फिर जब इसका काम पूरा हो जाएगा फिर थर्ड आईपीओ आएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जब भी आईपीओ आने शुरू होते हैं ना तो आपको एक साथ कई कई आईपीओ देखने को मिल जाते हैं। अगर हम अभी की भी बात करते हैं ना, लेटेस्ट की दो आईपीओ ऑटोमेटिकली अभी बंद हो चुके हैं, एक आईपीओ ओपन हो चुका है, एक आईपीओ अब 4 तारीख को खुल जाएगा जिसे हम कहेंगे सैनको गोल्ड का आईपीओ, जिसकी भी आपको रिव्यू वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल चुकी है, तो उसे चेकआउट करना ना भूलिएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पर हमारा काम हो चुका है कि अब हम ऐसे में क्या करें, बिकॉज हमारे पास तो देखो कोई सोल्यूशन नहीं है, या तो हमें अच्छा खासा पैसा चाहिए, लेकिन दिक्कत तो वही है कि हमारे पास पैसा तो है ही नहीं है, तो हम ऐसे में क्या करें। तो अब सेबी ने जो रूल्स निकाले हैं, नहीं देखो इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा लिस्टिंग में, जैसे कि जो एचएनई के रूल्स चेंज होने के बाद हमें लिस्टिंग में काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिले, क्या वो इफेक्ट हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा? पर्सनली मुझे यहाँ पर नहीं लगता, बिकॉज क्योंकि ऐसा कुछ भी चीज नहीं चेंज हो रही है, सिर्फ टाइमिंग की चेंज हो रही है, तो वहां पर ऐसा कोई भी रूल नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, वो रूल क्या है तो उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो T+6 days का टाइम था, अब से वो होने वाला है T+3 days का। मतलब कि अगर हम देखें, मान लो कि हमारा आईपीओ खुला है, लास्ट डेट होने वाली है फ्राइडे की, हम फ्राइडे को मान के चल रहे हैं, बिकॉज सैटरडे संडे को हमने बीच में इंक्लूड कर लिया, बिकॉज अगर आप ये चीज समझ गए तो आपको बाकी चीजें नॉर्मली समझ लग जाएगी। अब उसके बाद आ चुका है सैटरडे, फिर आ चुका है संडे, अब ये 2 दिन तो हमारी होती है मार्केट बंद, तो ये दिन तो काउंट होंगे नहीं। मतलब कि हमारा यहाँ पर टी का तो काम हो चुका है, फ्राइडे था वो, लेकिन उसके जो 3 दिन होने थे वो अभी पूरे नहीं हुए, तो मतलब कि उसके बाद हमारे पास जो दिन आएंगे, कौन कौन से दिन आएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। अब एक चीज और करते हैं, एक इस चीज को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे समझ में आए। आप मान लो कि वेडनेसडे की होने वाली है होलीडे, मतलब कि वेडनेसडे को भी मार्केट बंद है, और फिर आ चुका है थर्सडे। मतलब कि अगर आप चीज देखोगे 3+3 days, मतलब कि फ्राइडे के दिन आईपीओ की हो रही है क्लोजिंग, उसका सैटरडे संडे आ चुका है जहां पर मार्केट ऑलरेडी बंद है, तो वो दिन काउंट नहीं होने वाले। उसके बाद जब मंडे आ चुका है हमारे पास, वो हमारे पास हो चुका है फर्स्ट डे, ट्यूसडे हो चुका है हमारे पास सेकेंड डे, लेकिन वेडनेसडे को छुट्टी होने की वजह से जो थर्ड डे होना था वो भी कैंसिल हो चुका है, और जहां पर हमारे पास थर्ड डे हो चुका है थर्सडे का। अगर हम सैटरडे संडे की बात कर लेते हैं, बिकॉज सैटरडे संडे भी तो है तो दिन ही है ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास फर्स्ट दिन था, ये भी फर्स्ट दिन था, लेकिन ये दोनों हमारे पास छुट्टी होने की वजह से ये दोनों दिन भी काउंट नहीं हुए। अब मान लो कि कोई भी आईपीओ मंडे के दिन लास्ट डेट थी जहाँ पर उसकी क्लोजिंग हुई है, बिकॉज हम लास्ट डे कोई भी आईपीओ अप्लाई करते हैं, अगर कोई काफी अच्छा आईपीओ जिस पर हमारा डिसीजन पहले दिन से क्लियर होता है, वो हम सेकेंड डे पर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन मोस्टली हम मंडे के दिन अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद ये हमारा टी डे हो चुका है, जो हमारा ट्रेड डे था। उसके बाद हमारे पास आ चुका है ट्यूसडे, फिर आ चुका है हमारे पास वेडनेसडे, और फिर आ चुका है थर्सडे। मतलब कि हमने ये चीज मानी कि जहां पर कोई भी छुट्टी नहीं थी, तो ये हमारा फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड डे। मतलब कि अगर आप ये चीज समझो, जो कंसेप्ट मैं आपको T+3 days का समझा रहा था वो तो आपको समझ में आ चुका है। अब ये T+3 का ही चेंज हुआ है रूल्स में, अब आईपीओ की जो लिस्टिंग होने वाली है वो आपको थर्ड डे पर हो जाया करेगी आईपीओ क्लोज होने के बाद। मतलब कि एक आईपीओ आपने अप्लाई किया है और उसके 3 दिनों बाद आपके स्टॉक मार्केट में, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में वो शेयर लिस्ट हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो पैसा इतने दिनों तक ब्लॉक रहता था, अब वो ब्लॉक ही नहीं रहेगा। या फिर
जो पैसा हमें अगर आईपीओ लोट हो जाता है 2 वीक्स का वेट करना पड़ता था अप्रोक्स, बिकॉज सैटरडे संडेज भी आ जाते थे, कोई एक दो छुट्टी और आ जाती थी, वो भी अब हमें उतना वेट करना ही नहीं पड़ेगा। बिकॉज अगर आप आइडिया फोर्स को भी लेटेस्ट में देखोगे तो 5 तारीख को इस आईपीओ का अलॉटमेंट होने वाली है और 30 जून को वो आईपीओ की लास्ट डेट थी। अब देखो कि ऑलरेडी 5 दिन उस आईपीओ में हो चुके हैं, मैं सैटरडे संडे को इंक्लूड कर रहा हूँ जहां पर, बिकॉज हमारा तो पैसा 5 दिनों से ब्लॉक है। उसके बाद 10 तारीख को उसकी होने वाली है लिस्टिंग, मतलब कि 30 जून को वो आईपीओ क्लोज हो चुका है और ऑलमोस्ट 10 डेज लग चुके हैं हमें उस आईपीओ में। अगर अलॉट हो जाता है हमें तो हमारा अमाउंट 10 दिनों तक के बाद फ्री होगा प्रॉपरली, अगर हम देखते हैं, अगर हमने सिर्फ लिस्टिंग के लिए ही किसी चीज को अप्लाई किया है। जनरली मैं तो आईपीओ को सिर्फ लिस्टिंग के लिए ही यूज करता हूँ, बिकॉज उसके बाद तो हमें उसमें दिक्कत देखने को मिल जाती है मोस्टली आईपीओ में। तो वहां पर हमें हमारे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, हमारे जो भी माइंड सेट होता है वो हमारे अकॉर्डिंग होते हैं, उसके बारे में हम कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। लेकिन अब सोचो कि अगर 3 दिनों में हमारा ये काम हो जाए, मतलब कि अगर आपने 30th को अप्लाई किया है कोई भी आईपीओ और आपको 3 तारीख को उस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा कि अगर बीच में सैटरडे संडे नहीं है तो आपको आ चुका होगा मजा, बिकॉज आपका पैसा ऑलरेडी फ्री हो चुका है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सर इतने दिनों के बाद तो हमारी आईपीओ की अलॉटमेंट होती थी, तो इसमें अलॉटमेंट कब होगी? तो इसकी अलॉटमेंट, अब फॉर एग्जाम्पल से हमारा मंडे को जहां पर आईपीओ क्लोज हुआ है तो इसकी अलॉटमेंट हो जाएगी नेक्स्ट डे ट्यूजडे को ही, जहां पर हमें आईपीओ का पता लग जाएगा। और आपको भी पता है अलॉटमेंट होने के बाद जिनको आईपीओ नहीं मिलता उनकी पेमेंट ऑलरेडी अनब्लॉक हो जाती है रात को, नहीं तो मॉर्निंग तक मोस्टली हो जाती है। वो कुछ ही लोग होते हैं जिनका जहाँ पर 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन मोस्टली उनकी उसी टाइम पर अनब्लॉक हो जाती है नेक्स्ट डे से मॉर्निंग से पहले पहले, तो वहां पर तो हमारा पैसा 1 दिन में ही अनब्लॉक हो चुका है। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इसीलिए अब ये जो आईपीओ के नए रूल्स आए हैं, ऑब्वियसली हम सभी को पसंद आने वाले हैं, इसमें कोई भी शक या शंका नहीं रहने वाली है किसी को भी, और मुझे तो नहीं है कि आप लोगों को ये रूल काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। और स्पेशली जो HNI में जिनके पास लिमिटेड अमाउंट थी या रिटेलर्स में भी जिनके पास लिमिटेड अमाउंट रहने वाली है, उनको तो काफी ज्यादा ये आईपीओ पसंद आने वाला है जो आईपीओ के नए रूल आए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि सर रूल्स तो आ चुके हैं लेकिन आईपीओ तो अभी भी उतने टाइम पर खुल रहे हैं, लागू कब से होगा, तो इस चीज को भी हम समझ लेते हैं। देखो जब भी ये रूल्स लागू होने वाले हैं उसका हमें देखना पड़ेगा 2 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन, देखो 2 कंडीशन इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जहां पर ये आईपीओ 2 कंडीशन में लागू होंगे, कंडीशन की जगह अगर मैं वर्ड यूज करूँ क्या बोलते हैं यार उसको, मैं भूल चुका हूँ, मतलब कि टाइप या अगर हिंदी में बोले तो 2 बारी में यूज होगा। चलो मैं आपको सीधा मतलब ही समझा देता हूँ, हो जाता है कभी कभी माइंड से स्किप कर जाता है। तो पहला जो होने वाला है इसमें से, फर्स्ट होने वाला है हमारे पास ट्रायल वर्जन, जिसे हम बोल सकते हैं प्रॉपरली ट्रायल नहीं होने वाला है, ये कहने का मतलब इसको हम एज ए ट्रायल लेके चलेंगे, जो हमारे पास लागू होगा 1 सितंबर से। अब इसमें क्या होगा कि जो भी कंपनी नया आईपीओ लेके आएंगी वहां पर कंपनी की मर्जी रहने वाली है, उस कंपनी की मर्जी लेने वाली है जो भी ये कंपनी आईपीओ लेके आएगी कि वो उस आईपीओ को पुराने डेट्स के अकॉर्डिंग लेके आना चाहती है। जो सेबी ने नए रूल्स निकाले हैं डेट्स के अकॉर्डिंग, जहां पर हमारे पास T+3 डेज का रूल रहने वाला है कि उसके अकॉर्डिंग कंपनी को यूज करना है, वो कंपनी की मर्जी रहने वाली है। मोस्टली मुझे लगता है कि जहां पर कंपनी काफी ज्यादा कंपनी से हो यही रहेगी कि जो इस चीज को वहीं से ही लागू कर देगी, लेकिन यहाँ पर तो कंपनी की मर्जी है कि उनकी मनमर्जी करे ना करे उसमें ना तो सेबी कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर सकते हैं ना NSE BSE कुछ कर सकते हैं, वो कंपनी की मर्जी है, जैसे उसको ठीक लगेगा वैसे वो करेगी। लेकिन जो हमारे पास सेकंड टाइप होने वाली है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, और हो सके तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मेरे माइंड से निकल चुका है वो वर्ड क्या कहते हैं उसको यार, अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है। लेकिन हम इसमें अगर सेकंड की बात करते हैं तो जो हमारे पास सेकंड होने वाला है वो हमारे पास लागू होगा 1 दिसंबर से, मतलब कि ये वो कंडीशन होगी जहां पर कोई भी कंपनी अपनी मनमर्जी नहीं चला पाएगी और उन्हें सिर्फ T+3 डेज का ही मानना पड़ेगा, मतलब कि जहां पर जो ये टेम्परेरी था ऊपर की साइड, जहां पर ये उन सभी के लिए कंपलसरी हो जाएगा, मतलब कि अगर कंपनी की मर्जी हो या ना हो फिर भी उसे T+3 टाइम होरिजन में ही इस रूल्स के अकॉर्डिंग ही इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर काफी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और इससे ज्यादा क्लियरिटी में शायद मैं आप लोगों को दे भी ना पाऊं, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा हो या फिर आप लोगों के मन में कोई भी शंका हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से क्लियरिटी से समझ आ चुकी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव।